होने वाली निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर स्टिल सर्वाइविंग बैक इन समवेयर इस सारी सिचुएशन को उनकी तरफ से स्पेक्टेट किया जा रहा है. ही इज एंजॉयिंग ऑल दैट एक्शन लेकिन वैम्पायर ईस्पोर्ट्स से रुकने का नाम नहीं ले रही. जिस तरह पहले मैच के अंदर ये टीम एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड कर रही थी ऑडियंस को, इस मैच के अंदर भी वैसे ही उनकी तरफ से खेला जा रहा है. बिल्कुल जी, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी प्रेडिक्शन सच साबित होने वाली है. टीम सोली इस मैच के अंदर फाइनली चिकन लेके जाने वाले, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वैम्पायर्स के, इनको ग्रेनेड फेंकते हुए टीम निग्मा गैलेक्सी के फ्रीक नजर आएंगे. आखिरी प्लेयर वैम्पायर्स स्पोर्ट का चिकन मुश्किल कर सकते हैं. रेवन क्लॉ डैमेज खाते हुए लो हो जाएंगे, ग्रेनेड जाता है फ्रीक के ऊपर. रेवन क्लॉ ये किल कन्फर्म करते हुए अब टीम्स बच जाएंगी तीन, 3v3v4 जेवे यहाँ पे वैम्पायर के प्लेयर को नॉक करते हुए किल कन्फर्म की जगह जेवे का पूरा फोकस टीम पर स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा. लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स डैमेज खाते हुए काफी लो प्लेयर हो जाएंगे. लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जंप कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया. दी आर द चैंपियंस ऑफ पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल. वैम्पायर स्पोर्ट्स इस पूरे कंपटीशन को डोमिनेट करते हुए आगाज इतना अच्छा, अख्ताब इतना अच्छा, बीच के जितने मैचेस थे उनमें डोमिनेट किया गया. ये टीम थी जिसने रकम की एक ऐसी हिस्ट्री, पहले ही मैच में पबजी वर्ल्ड कंपटीशन के 39 पॉइंट्स लिए थे इस टीम ने, जो अब तक कोई भी टीम उसके बाद से किसी भी मैच में नहीं निकाल पाई. वैम्पायर स्पोर्ट्स अपने लिए ये पूरा स्टेज अपने नाम कर चाहते हैं और बताते हैं कि दुनिया में एक और चैंपियन मौजूद है. आज के बाद ये नाम याद रहेगा उन तमाम टीम्स को जो कि इस वर्ल्ड इन्विटेशन में खेले थे, और अभी कुछ सेकंड्स में ये जाएंगे स्टेज पर और जाकर अपना इनाम पाएंगे. बिल्कुल, इनाम तो उनको पहले ही मिल चुका है, और जितना ज्यादा यहाँ पर उनको दाद दी जाए उतनी कम है. प्लेयर्स दे हैव दैट हैप्पीनेस ऑन देयर फेस. बिल्कुल अभी के लिए उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिएक्ट करना है इस सारी सिचुएशन के अंदर. और थाईलैंड का जो है वो झंडा लेकर आ चुके हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया जा रहा था उनकी तरफ से, और ट्रॉफी की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं. आज के दिन जैसे हमने शुरू होते साथ ही कहा था कि आज के